नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागे विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी, उद्धव सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी। वहीं बागे विधायकों को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब 14 दिन तक महाराष्ट्र की सरकार ऐसे ही अधर में रहेगी, बागे विधायक गुवाहाटी के होटल में ही टिके रहेंगे या फिर कुछ और होगा। ये तमाम सवाल इस समय जहन में उठ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार के अल्पमत में होने का ऐलान कर दिया है तो जल्दी ही बीजेपी की तरफ से उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे फिलहाल फ्लोर टेस्ट से बचना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मौजूदा समय में फ्लोर टेस्ट हुए तो वह बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, ऐसे में उनकी सरकार गिर सकती है। इस तरह एक तरह से महाराष्ट्र में सत्ता बदलने की राह खुल गई है। अब शिंदे गुट ने महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापस लेने के अपने फैसले की जानकारी राज्यपाल को देने की तैयारी कर ली है। कोर्ट में हमारे काउंसिल्स की काफ़ी बहस अच्छी हुई, आर्गुमेंट ठीक रहा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन बात पर जो स्पीकर की कॉम्पिटेंस की बात रही, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो भी नोटिसेस के बारे में तय करना था उसके लिए बेसिकली टाइम जो आज 5:30 बजे का था वो सिर्फ 2 दिन का टाइम उनको मिला, ऐसा उनका कहना था। जहाँ पे हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया, हमारे काउंसिल ने, कि हम 2 दिन के बजाय, आप जिस तरह से कोर्ट भी चाहता था कि ये समय काफ़ी नहीं है, ठीक नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, तो उनके लिए हमने 2 दिन के जगह पर और 2 दिन या 3 दिन, उन्होंने कहा कि और 1 हफ्ता भी लग सकता है हमको पूरा हमारा पक्ष रखने के लिए। तब कोर्ट ने ये दोनों बातें सुनकर कोर्ट ने 11 जुलाई तक का टाइम दिया है और 11 जुलाई को फिर एक बार आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उनकी अपनी प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसी के अंतर्गत उनसे उनको सम्मन ये जारी किया गया होगा, तो इस पर राजनीति करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और संजय राउत साहब जिस प्रकार की भाषा और वाणी बोल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो वो एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति की भाषा तो नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आज के याचिके में 1-2 अहम सवाल थे। जो शिंदेगढ़ का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस लाए और इसलिए इस पे हमें वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक डिप्टी स्पीकर यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि 12 सदस्यों को हमने, मेंबर्स को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको नोटिस हमने इशू कर दिए और उन नोटिस का जवाब उन्होंने 2 दिन के अंदर मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के आज सुनवाई में किसी को रिलीफ तो मेरे ख्याल से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि 11 तारीख तक वो रिप्लाई डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक काउंटर एलिगेशंस थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और 12 विधायकों की तरफ से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिप्टी स्पीकर है और शिवसेना के जो प्रतोद है उनको हलफनामा कोर्ट में दर्ज करने के लिए कहा, और इसकी पूरी सुनवाई 12 तारीख को होगी। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद सनवारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। भरत सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आनंद जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई है और कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत तो दी है कि इन विधायकों को अयोग्य करारा नहीं जा सकता। एक बात साफ है कि अब फ्लोर टेस्ट से कोई रोक नहीं सकता है। आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में अब सत्ता का फेरबदल होकर रहेगा महाराष्ट्र में?
आनंद जी, पल्लवी जी, दो आनंद जी हैं, किससे बात? आनंद त्रिपाठी जी से मेरा ये सवाल था, माफ कीजिएगा मैं भी भूल गई थी कि आज मेरे साथ चर्चा में दो दो आनंद जी शामिल हैं। दो आनंद त्रिपाठी जी, ठीक है सर, त्रिपाठी जी। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपने सुनवाई के बाद जो कुछ ऑब्जर्वेशन और निर्णय की स्थिति बनाई है, उसको देखते हुए ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही संतुलित रास्ता चुना है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जो जब पत्र था उसे भी उसके बारे में भी माना कि वो पत्र का जवाब देना आवश्यक है और उसे बरकरार रखा, ठीक है, उसकी टाइमिंग बढ़ा दी उन्होंने। जो आज शाम 5:30 तक का समय डिप्टी स्पीकर ने दिया था उसे उन्होंने 12 जुलाई की 5:30 तक का कर दिया। इसलिए ये तो तय है कि इन विधायकों को उस पत्र का जवाब देना पड़ेगा। अब बाकी उन्होंने डिप्टी स्पीकर और जो शिवसेना के मुख्य व्हिप हैं उनसे एक हलफनामा मांगा है कि आपने ये जो सारी कार्यवाही की है उसका पूरा डिटेल एफिडेविट के साथ जवाब दीजिए कि कौन से पत्र क्या लिखे गए क्या नहीं लिखे गए। और उससे जो बातें सरकार छुपाना चाह रही थी या डिप्टी स्पीकर सबके सामने नहीं लाना चाहते थे वो बातें अब रिकॉर्ड पर आएंगी उस एफिडेविट के बाद। 3 दिन में वो एफिडेविट देना है तो इनसे भी एक बड़ी क्लियरिटी आएगी देश के सामने, महाराष्ट्र की सरकार के और जो ये एक गुट रिबेलियट हो रहा है इसके सामने भी बड़ी क्लियरिटी होगी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये कह रहा है कि वो सदन की कार्यवाही में या इस जो डिप्टी स्पीकर भले बागी गुट रिबेलियट गुट उनके ऊपर चैलेंज कर रहा है लेकिन वो उसकी कार्यवाही में अभी हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं, उनको काम करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट एक ढंग से दे रहा है, तो ये बड़ी बात होगी। अब देखना ये है कि क्या चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो डेप्टी स्पीकर को क्या 10वीं अनुसूची के तहत वो अधिकार प्राप्त है जो स्पीकर के होते हैं, ये एक कानूनी दांव पेच का मसला हो सकता है। इस पर अपनी चीजें लोग रखेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, उस पर बात आएगी। लेकिन ये हो गया तय है कि अब बहुत सारा मसला राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल चूंकि स्वस्थ होकर के काम करना प्रारंभ कर चुके हैं तो अब निश्चित तौर पर राजभवन जो है वो राजनीति का अखाड़ा अब बनेगा और रिबेलियन गुट हो सकता है राज्यपाल के यहाँ अपनी परेड कराए लोगों को, अपने अपने साथियों को ले जा करके। पहले तो वो मांग करेगा पत्र लिख करके कि उनको एक उन्होंने इस तरह का समर्थन वापस ले लिया है, फ्लोर टेस्ट की बात की संभावना भी बन रही है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो राज्यपाल के यहाँ परेड जैसी भी स्थिति हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी स्थितियां अब निश्चित तौर पर जो अभी पिछले 6 दिनों से अंधेरे में चल रही थी कि क्या होगा कयास लगाए जा रहे थे, अब वो एक स्थिरता की तरफ आने जा रही है कि अब ये होगा इसका परिणाम ये हो सकता है, आइदर ये हो सकता है आइदर ये हो सकता है। तो चीजें अब थोड़ा सा बड़े टाइम इसमें लगे 1 हफ्ते का लेकिन अब होने की स्थिति बन रही है। ठीक है सनवारिया जी, आपको क्या एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं देखिए पल्लवी जी, हम कभी भी सत्ता के लोलुप नहीं रहे हैं, आवाज गुज रही है। एज ए अपोजिशन होने के नाते 13 करोड़ महाराष्ट्री हैं उनके हित को देख रहे हैं बड़े ध्यान से, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूं और बड़े ध्यान से इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जबी भी बगैर आइडियोलॉजी के साथ में एक दूसरे के साथ लोग सत्ता के लालच में बन के सरकार बना लेते हैं तो उनका हश्र यही होता है। ये सारा झगड़ा देखिए शिवसेना का है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक सशक्त अपोजिशन नहीं आ रही है कर रहे हैं तो आने वाले समय में जैसी अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है तो जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी पल्लवी जी
और नहीं सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर थोड़ी ना रोक लगाई है। अगर राजभवन अब परेड होती भी है तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया ही नहीं है और ना किसी तरह की रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बस विधायकों को अयोग्य करारने पर अभी रोक लगाई है ना। आप चाहें तो बीच में फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं, मतलब आप फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो राइट प्लेस है कि सरकार अल्पमत में है कि बहुमत में है, तो वो आने वाले समय में। बट मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी तो फ्लोर टेस्ट कराने के मूड में ही नहीं है, वो तो और ही कुछ पर, चलो वो उनका हेडेक है, जब वो फ्लोर टेस्ट होगा तो उस वक्त देखेंगे और फिर आपकी मुबारक को भी आपकी बधाई को भी स्वीकार कर लेंगे। चलिए भरत सिंह जी, नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए अभी बहुत पिक्चर बाकी है। पल्लवी जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आप लोग वहां क्यों छुपे हो, आइए आप लोग फ्लोर टेस्ट पे अपना इम्तिहान दीजिए, कौन पास होता है कौन फेल होता है ये पता चल जाएगा। अब 6-7 दिन से गुवाहाटी में बैठ के आप कह रहे हो कि हम जो है आ रहे हैं, फिर कभी कह रहे हो हम नहीं आ रहे हैं, फिर कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी बोले राज्यपाल महोदय ठीक हो जाए तो हम लोग आएंगे। तो ये सारा खेल तो ये आप समझ रही हैं कहां से खेला जा रहा है और कौन इस पे पीछे जो है बॉलिंग कर रहा है कि कौन बैटिंग कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारी सरकार गठबंधन की सरकार, हमेशा उद्धव जी ने भी कहा है कि पहले वो आके फ्लोर टेस्ट तो दें, जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब ये पता चल जाएगा कि किसके पास बहुमत है और किसके पास नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं पल्लवी जी, लेकिन अब वो आना फ्लोर टेस्ट के लिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं। ये एक बार डिबेट इस पर भी हो चुका है, आपके चैनल पे भी हो चुका है, बहुत सारे चैनल पे बोल चुका हूँ कि फ्लोर टेस्ट पे जैसे ही ये लोग आएंगे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने विधायक उनके साथ नहीं है जो उनके साथ बैठे हैं अभी। और यही वजह है कि सिंधे साहब को ये घबराहट है कि मेरे जाने के वहां मैं जाऊंगा फ्लोर टेस्ट के लिए तो कहीं ये पलट न जाए, क्योंकि जब ये उद्धव जी को छोड़ सकते हैं, शिवसेना को छोड़ सकते हैं, तो हमें भी तो छोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि भाजपा खुल के मैदान में नहीं आ रही है, वो पीछे पिछले दरवाजे से पूरा तमाशा देख रही है। जो भी उसे कहना है वो पिछले दरवाजे से कह रही है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है। कोरोना जो है वो 3 ही दिन में ठीक हो जाता है, अब ये पता नहीं कौन सा कोरोना था कि 3 ही दिन में सही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राज्यपाल महोदय स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, हम तो ये कामना करते हैं, लेकिन उनको फ्लोर टेस्ट के लिए आना ही पड़ेगा पल्लवी जी। और फ्लोर टेस्ट में आपको ये समझ में आएगा तभी, जो कि खुल के समझ में आएगा कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। अभी तो आप कयास ही लगा सकते हैं कि अभी हम कह रहे हैं कि कुछ विधायक जो है उसमें जो गए हैं वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, कुछ लोग को हाईजैक कर लिया गया है। अब ये आने के बाद ही सारा पिक्चर और तस्वीरें साफ होगी कि इसमें सच्चाई क्या है, क्या वो 40 जन जो गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, क्या उनको जबरदस्ती वहां रोका गया है, तो ये तो वक्त ही बताएगा। एक एक करके तो वहां पहुंचे हैं कितने लोग सर, जबरदस्ती तो क्या ही रोक लिया होगा, और 40 लोगों को जबरदस्ती रोकना, आप समझ रहे हैं क्या बात होती है। और ये सबके सब फ्लाइट से वहां गए हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे ले गए होंगे हाईजैक करके, ऐसा कौन सा उनको दवाई सुनाई गई है पल्लवी जी। यही तो सबसे बड़ी मजे की बात है कि एक एक दो दो लोग रोज जा रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपको पता है कि मुझे पता है, बताइए वो क्यों जा रहे हैं। ये तो फ्लोर टेस्ट जब कराएंगे ना तो उस समय आपको भी समझ में आएगा ये क्या हो गया, ये तो सुनो सुबह 5 बजे हुआ था वो शाम 5 बजे हो गया। जी जी समझिए, ये जो सुबह 5 बजे खेल हुआ था और ये भाजपा के साथ फिर से शाम को 5:30 बजे खेल हो गया, वो तो भोर में हुआ था और ये संध्या काल में हो गया। तो कहीं ये भाजपा ये समझ रही है इस चीज को, और यही इसी वजह से भाजपा जो है खुल के मैदान में नहीं आ रही है, और ये सिंधे जी भी समझ रहे हैं, और इसी वजह से सिंधे जी भी वो आने से बच रहे हैं और बहुत सारे बहाने बना रहे हैं। अब तो उनको प्रोटेक्शन केंद्र ने दे दिया है ना भाई, बाकी विधायकों को प्रोटेक्शन दे दिया है, अब आपको क्या डर है आने के लिए, धारा 144 महाराष्ट्र में लगी गई है। तो आप तो आइए, अभी संजय राउत जी तो कह रहे हैं ना कि आपको क्यों छुपे हो, गुवाहाटी में आना पड़ेगा एक दिन चौपाटी में,
तो आइए चौपाटी में, गुवाहाटी का मजा बहुत ले लिए, आप जाएंगे आके जरा चौपाटी का भी मजा ले लीजिए। सनवारिया जी। जी जी, मैं पल्लवी जी भरत सिंह जी को सुन रहा था। पता नहीं ये बीजेपी का फोबिया इन कांग्रेस वालों को हुआ हुआ क्यों है। हम तो बार बार कह रहे हैं, आवाज सही करवाइए ना, आवाज नहीं सुन रहा। आप सुन लीजिए भरत सिंह जी, ठीक है, बीजेपी का आपको फोबिया हो गया है और सच्चा भी है, क्योंकि सारे भारतवर्ष से आप लोग को नास्ते नाबूद करने वाली एक ही पार्टी आई है, उसका नाम बीजेपी है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये शिवसेना की प्रॉब्लम है, हम तो एक विपक्ष में बैठे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं। ये तो आप लोग जो तीन घटक हैं वहां पे, एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना, देखिए आपके आपके मुख्यमंत्री तो फ्लोर टेस्ट कराना नहीं चाहते, एनसीपी कहती है फ्लोर टेस्ट करा लो। पहले आप तीनों के तीनों लोग तो ये मान के चलिए, एक एक विचार बना लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो आपकी इसी नीति के पीछे आप ये जो शिवसेना के लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, जिनको के देखिए वो कह रहे हैं, शिवसेना के राउत साहब कह रहे हैं कि 40 डेड बॉडी आएंगी उनका पोस्टमार्टम। तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, डेमोक्रेसी में ये चीजें अच्छी नहीं थी। प्रोटेस्ट पे आइए, असेंबली में आइए, आकर के प्रोटेस्ट कीजिए, और प्रोटेस्ट में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसमें सरकार सरकार बचने के, आपकी सरकार का बचने का तो अब कहीं भी कोई भी चांस नहीं है। अब कोशिश करें कि आप अपने मुख्यमंत्री को कहें कि जल्दी से फ्लोर टेस्ट करवा ले, और ताकि महाराष्ट्र और 13 करोड़ लोग जो है त्राहित है, और आप सारा का सारा स्टैंड सील हो गया। यही बातें हैं कि किस कौन कौन डर के गया हुआ है, कौन, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप नेशनल पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के आदमी हैं, आइए फ्लोर टेस्ट पे आइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। त्रिपाठी जी, अभी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ भरत जी कह रहे थे कि आप फ्लोर टेस्ट करवाएं तो सही, क्योंकि शिंदे जी को भी डर लग रहा है कि जो पहुंचे हैं गुवाहाटी विधायक, जरूरी नहीं है कि फ्लोर टेस्ट के जब फ्लोर टेस्ट चल रहा होगा तो वो साथ दे ही दे शिंदे गुट का। आपको भी ऐसी संभावना नजर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट के समय में भी बड़ा खेला हो सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि फ्लोर के समय कोई खेल या कोई परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि शिवसेना के एक विधायक करके सारे लगभग विधायक कंटिन्यूएशन में शिंदे के साथ जुटते चले जा रहे हैं। ये शिवसेना माने नहीं, एनसीपी ना माने, कांग्रेस ना माने, स्वाभाविक है, नहीं मानना चाहिए उनको, है ना। हार के पहले हार मानने की बात होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि शिवसेना में जो विधायक चुन करके आए थे उसमें से 11 विधायकों में से मंत्री बने थे, 2 विधायक एमएलसी थे, ठीक है। उन 11 विधायक चुने हुए विधायकों में से आज 10 शिंदे के साथ है, ठीक है। कोई ये कहे कि किसी मंत्री को, एक बार एक साधारण विधायक को कोई हाईजैक करके अपहरण करके लेके जाए, वो बात समझ में आती है। मंत्रियों की सुरक्षा का स्तर कुछ अलग होता है। जब वो मंत्री गए शिंदे के साथ तो वो अपनी मर्जी से गए, वो किसी के दबाव में वजह से, डर की वजह से नहीं गए, है ना। डर, इतना बड़ा डर किसी सरकार को, चाहे वो केंद्र के फोर्सेस लगे हो या महाराष्ट्र के कोई और ताकत हो जो अदृश्य हो, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी राज्य के मंत्री इतनी बड़ी संख्या में, 10 की संख्या में डर करके किसी के साथ चले जाएंगे, है ना, ठीक है। तो शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस की ये बातें कि वो जो 40 वहां गए हैं, दबाव में गए हैं, अपहरण करके ले जाया गया है, ये गलत उतरने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि ये सब इसमें अब राजनीतिक रूप से देखें, इसका विश्लेषण करें, तो ये सारे के सारे जो उद्धव से नाराज है उसके पीछे कारण ये है कि उद्धव एनसीपी के दबाव में सरकार चला रहे हैं। सारे मलाईदार मंत्रालय जो है वो एनसीपी के पास है, और एनसीपी का सरकार पर एक ढंग से होल्ड है, भले मुख्यमंत्री शिवसेना का हो लेकिन सरकार पर होल्ड एनसीपी का था। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी शिवसेना के विधायकों का, क्योंकि उनको लगता है सरकार की फेलियोरिटी की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आती है, लेकिन भलाई एनसीपी के लोग खा रहे हैं, कांग्रेस को भी नहीं। ये बात पक्की, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन शिवसेना में रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है
कि शरद पवार का इस सरकार पर हावी होना और उद्धव ठाकरे का उनके आगे साष्टांग हो जाना सिर्फ अपना मुंह अभी जब ये परिस्थितियां खराब हो रही हैं तो ये एनसीपी और शरद पवार है कहाँ? वो डैमेज कंट्रोल करने में फेल कैसे हो गए? नहीं तो वो करना नहीं चाह रहे ना, मैंने ये आप ये समझिए, शरद पवार जो भी डैमेज कंट्रोल की बातें दिखा कर रहे हैं वो एक दिखावा है। शरद पवार का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सरकार को बचाने में। इस ढाई तीन सालों में जो इस सरकार से प्राप्त करना था शरद पवार ने वो प्राप्त कर लिया। अब एनसीपी को इस सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था कि शरद पवार अब फडणवीस से अपने रिश्ते अच्छे करने में जुट गए हैं पर्दे के पीछे, वही हो रहा है। और शिवसेना को अकेला छोड़ दिया है, कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है महाराष्ट्र में कि वो इस डैमेज कंट्रोल को करने का कोई प्रयास कर सके। और उद्धव की असफलता ये है कि वो संजय राउत जैसे लोगों के सलाह से चल रहे हैं, जो संजय राउत सिर्फ इस परिस्थिति को बिगाड़ने लगातार मतलब असहज कर रहे हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं जो लगता नहीं कि वो समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ कर इस समस्या को और बिगाड़ रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। संजय राउत के बयान पिछले एक हफ्ते में देखे जाएं तो ऐसे लगते हैं कि संजय राउत शिवसेना के न होकर के बीजेपी के आदमी है, जो ऐसे ऐसे बयान दे करके उन विधायकों को बल और दूर कर रहे हैं शिवसेना से। कहीं भी उनके बयान से किसी कार्य से संजय राउत के पास कोई सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, बाकी कोई हैसियत नहीं है उनकी, लेकिन वो जुबानी जमा खर्च से सरकार को लगातार नुकसान कर रहा है और उद्धव की राजनीति को एकदम से गड्ढे में डाल रहे हैं। और उद्धव इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा एक बार जब संजय निरुपम सामना के हिंदी सामना के संपादक हुआ करते थे और उन्होंने बगावत करके बाल ठाकरे के समय में ही बगावत करके वो कांग्रेस में चले गए थे, तो बाल ठाकरे ने एक बड़ी टिप्पणी की थी, फेमस टिप्पणी है कि मैंने कुत्ते पालने बंद कर दिए। ठीक है, तो संजय ये उद्धव ये काम नहीं कर सके मुझे ऐसा लगता है। किसी को नुकसान हो रहा हो, किसी को दुख हो रहा हो, लेकिन मैं बाल ठाकरे की टिप्पणी का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है भरत सिंह जी, फ्लोर टेस्ट पर आते आते चीजें ज्यादा बदल जाएंगी ऐसी उम्मीदें कम ही हैं सर। और वैसे राजनीतिक पंडितों की माने तो अभी तो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के टूटने के भी पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब सरकार शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी मिलकर बना लेंगी तो फिर वो विधायक को आपके पास क्या मिलेगा? और हमने तो बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे अन्य राज्यों के जहां पर कांग्रेस के विधायकों की वजह से किस तरीके से सरकारें गिरी हैं। के सारे विधायक और सारे नेता हम सब एक जुट हैं, कोई बिकाऊ नहीं है कांग्रेस पार्टी में। ये जो गए हैं ये कुछ पैसे के लालच में गए हैं, कुछ दबाव के लालच में गए हैं, और 17 ऐसे लोग हैं ये भाजपा के हमारे प्रवक्ता महोदय आनंद जी नहीं बताएंगे और दूसरे जो आनंद त्रिपाठी जी है ये तो बताएंगे ही नहीं, कतई विश्लेषण तो सारा आपके चैनल पे बैठ के कर रहे हैं कि सब तो ठीक है। अरे आनंद त्रिपाठी जी जरा एक विश्लेषण करिए, जिसके जिस नेताओं के 17 नेताओं के पास ईडी की नोटिस हो और उनको ये बताया जाए कि 2 नेता तो जेल में है। अब आपका सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए कि त्रिपाठी जी अगला निशाना जो था वो था शिंदे जी, सबसे बड़े घोटाले में शिंदे जी जा रहे थे। अब ये क्या उद्धव जी ने कहा था? अब देखिए अभी आनंद जी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे अभी से उनको क्लीन चिट दे दिया है। अरे जब आपके पार्टी में आएंगे, जब आपके भारत सिंह जी जब आप झूठ बोलेंगे और कोई भी सब देश के प्रधानमंत्री जी तो रोज झूठ बोलते हैं और बड़े तरीके से झूठ बोलते हैं। आनंद भाई मेरी बात पूरी चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं ना सनवारिया से, एक एक करके बात कर लेते हैं। वैसे अब जब यही बात चल रही है तो ये संजय राउत को जो आज ईडी का समन मिला है इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा समय का बड़ा खेला है यहाँ पर, समय बड़ा अच्छा चुनते हैं ये समन देने का भी। पल्लवी जी, संजय राउत जरा भी घबराए नहीं है, उन्होंने कहा है कि मैं घुटने नहीं देता। बयानों पर लगाम लगा ले अपने, पता नहीं क्या क्या उलझुल बयान दे रहे हैं आजकल वो भी। नहीं नहीं सुनिए, वो देखिए वो शिवसेना का उनका आंतरिक मामला है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं कोई शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ इतना मैं कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी हम तीनों दलों ने मिलकर बनाया है
हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। मैं अपनी विधायकों की पार्टी के विधायकों की बात करूंगा। हाँ, मैं सिंधे की इसलिए बात कर रहा था, आनंद भाई, दोनों आनंद भाई, मैं आप बता दूं कि सिंधे का अगला नंबर था, आपको पता है कि नहीं पता है। बलवीर जी, मजा तो ये है कि इसी चैनल पे जब अगर मान लीजिए सरकार जाती है और सरकार भाजपा के साथ ये लोग बना लेते हैं, तो 17 नेताओं का मैं लिस्ट आपको दूंगा और नाम गिनाऊंगा। आनंद भाई, अगर कभी आप बैठेंगे तो आप भी मुझे बताइएगा कि जिनके पास ईडी की नोटिस गई है, जिनको जो है रोज बुला बुला के पूछा जा रहा है, अचानक इनकी ईडी की नोटिस बंद हो गई, उसके बाद इनको बुलाया नहीं जाता है, इनको क्लीन चिट मिल जाता है, आखिर वो कौन सा वॉशिंग मशीन है, वो कौन सा कमल साफ डिटर्जेंट आपके पास है, पाउडर आपके पास है, कि आपके पार्टी में जाते ही ये सारे क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद में इनके पास कोई धब्बा नहीं रहेगा, और सिर्फ कांग्रेस में है, शिवसेना में है, राष्ट्रवादी में है या किसी भी विपक्षी दल में है, वो सारे जो है दागी है और आपके पास जाने के बाद बेदागी हो जाते हैं। तो मैं आपसे, एक वक्त आएगा तो ये भी मैं पूछूंगा, और पल्लवी जी आप भी ध्यान में रखिएगा, 17 नाम में से आपको बता देता हूँ, यामिनी जाधव जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनके पति के ऊपर इंक्वायरी की, वो जो वहां पे बैठे हैं उनके पति के ऊपर चल रही है, उसके बाद में आपका सिंधे का नंबर आ ही गया था, हमारे जो है अनिल परब जी के ऊपर चली रही है, उसके बाद में आपके दो और मराठवाड़ा के जो नेता वहां मंत्री गए हैं उनके ऊपर चल रही है, ऐसे मिला के करीब करीब 17 लोगों के पास ईडी की नोटिस जाने वाली थी या कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी है, बहुत लोगों की इंक्वायरी चालू है, तो सब अपना गिरेबा अपना जो है जेल में जाने से बचने के लिए ये कर रहे हैं। उद्धव जी ने कभी नहीं कहा था कि आप लोग इतना पैसा कमा लीजिए, ये जो है जेल में जाने की नौबत आई, क्यों कमा लिए भाई, रिक्शा ड्राइविंग कर रहे थे और आज 25,000-30,000 करोड़ रुपए कमाए हो तो उसका तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना जवाब। क्या भाजपा ही ने ठेका लेके रखा है क्या कि जो उनकी पार्टी में जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा, बाकी आप विरोधी पक्ष में रहोगे या आप दूसरी पार्टी में हो तो आप दागी हो? वाह वाह वाह, ये तो अजब खेल है। आपके पास ईडी हथियार आ गया है, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हो तो आप हर झंडा अपना रहे हो कि हर सरकारें गिर जाए, सिर्फ इस देश में हम ही रहे, विपक्ष रहे नहीं। अरे देश में विपक्ष जब रहेगा ही नहीं तो इस देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। जो राजापक्षे कहते थे वो करते थे और 450 रुपए का पेट्रोल आज लोगों को लेना पड़ रहा है और यहाँ भी वही हालत हो गई है, 100 के ऊपर हम पेट्रोल ले रहे हैं, उसमें तो चर्चा कभी होती नहीं है, और आज ये स्थिति आ गई है कि भाई देखो ये विधायक खरीदा जा रहा है 50 करोड़। तो ये आपको बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, ये आपको महत्वपूर्ण मुद्दों में नहीं लग रहा है क्या कि एक राज्य की बनी बनाई सरकार गिर रही है, ये आपको बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है? पेट्रोल डीजल वाली बात से मैं सहमत हूँ सर। नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं मान रहा हूँ। एक हमारे जो है राजपूत जी है, विधायक है औरंगाबाद से, उन्होंने ये कहा कि 50 करोड़ रुपया ला के मुझे देने के लिए लाया गया था, मेरे सीसीटीवी कैमरा पेट्रोल पंप पे देख लीजिए, उसमें सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मैं जो है उद्धव जी को छोड़ के, शिवसेना छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? अगर सच्चाई है तो इसकी भी जांच इंक्वायरी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकर जाइए सर इस तरह की सीसीटीवी फुटेज, आपको तो मामले दर्ज कराने चाहिए। मैं आपसे ईडी के, मैं आपके माध्यम से ईडी से कह रहा हूँ, क्या इसकी इंक्वायरी करिए। मैं आपसे ईडी कैसे कार्रवाई करेगी? आप तो खुद मान रहे हैं ना कि ईडी तो केंद्र सरकार की कठपुतली है, तो आपको लग रहा है क्या कि ईडी कार्रवाई करेगी? आप भी जाइए कोर्ट, आजकल वैसे भी हर बात के लिए लोग कोर्ट का ही रुख कर रहे हैं। मेरी बात, मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ, जो ये सब लोग गए हैं, जो रोज खाना खा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ईडी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेके जाए ना, विपक्ष के लिए घेरने की बात है। बिल्कुल सरवारिया जी, सरवारिया जी, आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें अब ये सारे के सारे विधायक धुल जाएंगे और इनके पीछे जो ये लंबी चौड़ी फाइलें इकट्ठी हो रखी थी वो फाइलें सब गायब हो जाएंगी? पल्लवी जी, बिल्कुल हास्यास्पद स्टेटमेंट भरत सिंह जी दे रहे हैं। मैं देखिए, वो एक नेशनल टीवी के चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि मैं ईडी को कहूंगा कि इंक्वायरी करो, और देखिए वहां पे राहुल गांधी जी की इंक्वायरी होते ही सारे के सारे कांग्रेस के वर्कर और सत्याग्रह पे बैठ गए। ये दोगली नीति भरत सिंह जी आप मत छोड़िए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भरत सिंह जी, सुन लीजिए। आप जो है करप्शन, ये करप्शन तो आपके नेता की इंक्वायरी जब होती थी तो आप सारे के सारे दिल्ली को आग लगाने के लिए आ गए थे क्या? और ऊपर से वो पूछ रहे हैं, आपके
सारे ऑफिसर कह रहे हैं कि राहुल जी आखिर आप विचलित नहीं हुए, आप क्या सुझाव ऐसा करते हैं? ठीक है भरत सिंह जी एक एक करके बात करेंगे सर, एक बार सनवारिया जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास प्लीज। नहीं मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भरत सिंह जी से कि कृपया सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के अपने अपने साथियों के नाम गिनाने लगे 17 लोगों के, और कह रहे हो पुरजोर तरीके से कि ईडी इंक्वायरी करे। तो जब ईडी राहुल जी और सोनिया जी की कर रहा है तो आपको क्या, अब सुन लीजिए, अब मत बोलिए, बोलिए मत, भारत सिंह चुप रहिए, अरे सुनने की आदत डालो, ये दोगली नीति नहीं चलेगी भारतवर्ष की जनता। और आप कह रहे हैं क्लीन चिट कौन देगा, ये क्लीन चिट देने वाली जनता है जिसने आपको नकार दिया है, सारे भारतवर्ष में आप अब माइक्रोस्कोप में भी दिखते रहे। अब अपनी अपनी सरकार, अपनी सरकार के जो अगाड़ी सरकार है इसमें बैठ के बात करिए। आप ईडी को जो भाषण दे, ईडी कभी नहीं, बड़े की बात नहीं, आप झूठी बोल रहे हैं आप तो। चलो बोल लीजिए, आप दोनों बोलेंगे तो कोई सुन नहीं सकता, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। चलिए सर एक एक करके बात करेंगे, भरत जी देखिए मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बेमतलब की बहस में नहीं उलझेंगे सर, अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सनवारिया जी अब आप अपनी बात जारी रखिए। और मेरा सवाल वही था सर कि कौन सी वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हुए हैं आप? हाँ मैं वही, मैं यही भरत सिंह जी से अनुमति लेके कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। ये मैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, और मैं भरत सिंह जी को ये सुनते हुए बड़ा अच्छा लगा कि ईडी को मैं कहूंगा कि पूरी इंक्वायरी करो। तो मैं भरत सिंह जी से यही पूछ रहा था जब उनको गुस्सा आया और बीच में बोलने लगे कि जब ईडी इंक्वायरी करता है राहुल जी की और सोनिया जी की, तो आप दिल्ली को घेर लेते हैं, रैनसम पे ले लेते हैं, उसको वहां बलवा कराने की कोशिश करते हैं, तो ये दोगली नीति आप छोड़ दीजिए। आज मुद्दा है अगाड़ी सरकार का, जिसमें कि आप एक बड़े इम्पोर्टेंट घटक हो और एनसीपी घटक है। एनसीपी तो इस वक्त, अभी देखिए आनंद त्रिपाठी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, भरत सिंह जी आप और मैं तो आपस में को हमारे हमारे तो आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन आनंद त्रिपाठी जी एक विश्लेषक है, आप उनको किसी पॉलिटिकल में मत घुसाइए। लेकिन सच्चाई बताना तो जो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपके आपके मुख्यमंत्री, आपके तीनों के मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे जी है ना, उनको कहो कि कल फ्लोर टेस्ट करा दे, किसने रोका है? आप कहिए ना, आप बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए आज उद्धव ठाकरे की, ठाकरे जी के बेटे ने जो बातचीत कही है वो आपकी मानसिकता दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सराफत छोड़ दी है और अब आगे देखिए। तो ये चीजें आप जो बात कर रहे हैं, मैं शिवसेना के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, बट आप सामने टीवी पे बैठे हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप अपने सीएम को कहिए ना कि आप ट्यूसडे वेडनेसडे को फ्लोर टेस्ट करा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सवाल जायज इसलिए हो जाते हैं ना सनवारिया जी, आप ये बताएं कि जब भी कहीं किसी राज्य में सरकार गिरती है तो ये सारे के सारे विधायक बीजेपी के पास ही क्यों आते हैं सर? ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी विचारधारा आपकी अचानक से प्रभावित कर जाती है कि सरकार बीच में गिरा दी जाती है? कर्नाटक आप ले लीजिए, उत्तराखंड का आप ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, अब ये महाराष्ट्र आपने नया शुरू किया। हाँ जी 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 पल्लवी जी, ये विचारधारा अचानक नहीं बनती। ये देखिए बाला साहेब ठाकरे जी, पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी, देखिए आज जो ये बात हो रही है और सरकार गिर रही है तो हिंदुत्व पे गिर रही है। शिंदे साहब ने तो, अब उद्धव ठाकरे जी ने तो कहा था उद्धव जी को कि मैं आपको सीएम बना रहा हूं, उन्होंने तो सीएम 20 जून को कहा है, 19 को उनका फंक्शन था, 20 को कहा था। तो शिंदे जी ने तो कोई सीएम बनने की, मैं उनकी कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिंदे साहब ने क्लियर कहा कि आइडियोलॉजी जो बीजेपी की है
जो हिंदुत्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी थी, और वो आइडियोलॉजी 2.5 साल में उन्होंने देख लिया। तो ये सब चीजें हमारे पास, अगर वो आइडियोलॉजी मानते, अगर ऐसे डर के एमएलए और मिनिस्टर बीजेपी में आने लग जाते हैं तो ये अजीब सी बात है। तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। ऐसे 17 नेताओं की लिस्ट है जिन पर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा था, मुकदमा तो खैर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कोई ना कोई जांच चल रही थी, अब वो सारी की सारी जांचें ना दब जाएंगी। भरत सिंह जी ये बात कह रहे हैं सर कि 17 नेताओं की लिस्ट उनके पास। नहीं 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 बिल्कुल भरत सिंह जी जांच तो आपकी भी नहीं रुकी, आप उनकी क्या बात कर रहे हैं। कानून अपना काम करता है। कितना आप लोगों ने 4 साल निकाल दिए, जो केस सोनिया जी और राहुल जी, आज वो मुद्दा नहीं है। समय जो है टाइम लगता है, और कानून की जो प्रक्रिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ईडी कोई पॉलिटिकल नहीं है। तो आप वो अपना समय लेते हैं, और अपने समय के साथ में कोई बच नहीं सकता। अब जो नया भारत वर्ष आया है उसमें डिले डिलिंग नहीं होती, डिसीजन होगा, कल्प्रिट बचेगा नहीं, और जिसने गड़बड़ी की है वो डिसीजन होगा और क्लीन चिट मिल जाएगी। यही तो डिसीजन होता है एंड में, और होता कौन सा डिसीजन है सर। बिल्कुल भरत सिंह जी, मैं आऊंगी फिर आनंद त्रिपाठी जी आपके पास। भरत जी, अभी आनंद भाई ने हिंदुत्व की बात कही, मुझे ये नहीं समझ में आया कि अब्दुल सत्तार भी हिंदुत्व की बात करने लगे क्या, वो सिंधे गुट में जाके। इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि अब्दुल सत्तार जी भी अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वहां पे जाके। पहला। दूसरा सवाल, मैं ये कह रहा था कि आनंद भाई, राहुल गांधी जी के ईडी के सवाल पे आपने कहा कि सत्याग्रह चालू हो गया, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वहां पे सत्याग्रह कर रहे हैं, जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपके पिछले ईडी के डायरेक्टर ने ये फाइल क्लोज इसलिए कर दी थी कि इसमें कुछ भी नहीं मिला है, ना लॉस ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अभी गलत कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ गलत तो आप इंक्वायरी कर लीजिए। आनंद फानंद में आप उसे ईडी डायरेक्टर को हटवा देते हो और उसके बाद में दूसरे को लाके कहते हो कि नहीं चाबुक चलाओ। 5 दिन में 50 घंटा पूछताछ करने के बाद आपका ऑफिसर कहता है, पूछता है राहुल जी से कि राहुल जी आपके पास इतना पेशेंस कहाँ से आता है, कैसे आता है, आप इतना सारे सवालों का जवाब दे दिए और कहीं भी सुन लीजिए ना। ये कौन से ऑफिशियल स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं भरत जी? राहुल जी ने कहा है, आपके नेता जो कहेंगे वो सही है, हमारे नेता कहेंगे वो गलत है। खाता ना भाई मैं वही कह रहा हूँ आनंद भाई, जवाब अब कह रहा हूँ। पचास घंटे पूछताछ करने के बाद आखिर आपने कौन से डिसीजन पे गए और क्या मिला आपको? आपने जानबूझ के हरेसमेंट किया ना हमारे नेता को, जबरदस्ती मतलब उठा के बिठाना है और पूछना है। क्या आपके पास पूरे 100, 200, 500 साल सरकार चलाएंगे आप? कभी न कभी तो जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ईडी हमारे पास रहेगी तब क्या करोगे? तब उसके बाद वेरी गुड, बहुत अच्छा काम। देखिए आप कर रहे हैं भाई, जैसा हमें कोई दुरेज नहीं है। अरे जो आप ईडी की दुर्दशा आप लोग ने बना दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या एक ही सरकार रहेगी आप दूसरे? आप आ जाइए ना, आप उसके बाद आप 17 जो है अब उसके बाद महाराष्ट्र पे आ जाइए, अब महाराष्ट्र पे, अब आनंद जी महाराष्ट्र पे आ जाइए, अब महाराष्ट्र पे आ जाइए। महाराष्ट्र में अब जितने लोग हैं, ठीक है, मैंने राहुल जी के बातों का मैंने आपको जवाब में पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया। महाराष्ट्र की बात करते हैं, पल्लवी जी ये आपको भी पता है, आप मीडिया से ताल्लुकात रखती है, जुड़ी है, सारी खबर आपके पास रहती है कि इनके पास जो तंत्र है, केंद्रीय जो एजेंडा है उनके माध्यम से हर खेल को ये खेलते हैं, और वही इसी वजह से जो है आज जो है 40 विधायक वहां पे जाके बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आनंद त्रिपाठी जी, 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है उनको अपना जो है मान्यता रखने के लिए, उसमें से अगर 3-4 विधायक भी टूट जाते हैं तब तो इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और मैं आपको आज गारंटी के साथ कह देता हूँ चैनल पे बैठ के, उसमें कम से कम 12 विधायक
वो जो है शिवसेना के पक्ष में यहाँ पे आने के बाद में मत करेंगे कि हमको जो है यहाँ पे नहीं, हमको शिवसेना के साथ रहना है, तो उसके बाद में फिर भाजपा का खेल बिगड़ेगा। और ये सारा खेल देखिए, अभी तक कोश्यारी जी को कोरोना हो गया था, भगवान ने अच्छा किया, स्वस्थ हो गए, आ गए, अब सारा खेल जो है वो राज्यपाल के यहाँ से चलेगा। नहीं, हमको जो है फ्लोर टेस्ट नहीं कराना है, हमको जो है परेड कराना है, हमको ये कराना है, हमको वो कराना है, तो हर हाल में किसी भी हाल में कैसे भी करके एन चेन प्रकरण से हमको सरकार गिरानी है। अरे सरकार गिराने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना आसान में पलवी थी, जो बाढ़ आई है 25 लाख लोग बेघर हो गए हैं, अगर वही पैसा जो विधायकों पे भाजपा खर्चा कर रही है, वहाँ के जो है मंत्री जी जो मुख्यमंत्री खर्चा कर रहे हैं, अगर उतना ही पैसा अगर वो बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्चा करते तो शायद अच्छा होता है, देश के विकास के लिए करते तो शायद अच्छा होता है, लेकिन इनको हर हाल में सरकार गिराने के लिए, ये जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं, ये सारा पैसा जमा इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में कहाँ कहाँ सरकार गिरानी है, कहाँ कहाँ पे खरीद फरोख्त कर रहा है, इसी वजह से ये देश की महंगाई बढ़ रही है और सारा पैसा अपनी तिजोरी में जमा करके ये वहाँ की सरकारों को अस्थिर करते हैं और गिराते हैं। ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी, एक संभावना ये भी है कि शिंदे गुट के जो ये विधायक हैं वो राज ठाकरे के पास चले जाएं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट ना तो हिंदुत्व छोड़ना चाहता है और ना ही ठाकरे नाम छोड़ना चाहता है। क्या आप भी इन संभावनाओं पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मनसे के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है? नहीं, ये बात चल रही है पिछले 2 दिनों से, बहुत तेजी से इस बात पे चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एकनाथ शिंदे ने जो मेहनत करके इतना बड़ा कुंभा जोड़ा है शिवसेना से निकाल करके, वो थाल में सजा करके राज ठाकरे को क्यों दे देंगे? बिल्कुल, वो राज ठाकरे को अगर मनसे में जाने का मतलब कि राज ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करना, तो वो खुद नेता बनने की बजाय राज ठाकरे को अपना नेता, सारी मेहनत एकनाथ शिंदे करेंगे और नेता वो राज ठाकरे को मान ले, मैं ऐसी मतलब राजनीतिक संभावनाएं नहीं देख रहा हूँ। ये चल रहा है एक रास्ता निकालने की कोशिश, ये है जैसे कि अगर मान लिया जाए कि कहीं ये 2/3 को अगर विधानसभा में अलग ग्रुप नहीं मिलता है, शिंदे को अलग कोई गुट की मान्यता विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं देते हैं, तो उनको अपनी सदस्यता बचाए रखने के लिए किसी पार्टी में मर्जर करना होगा अलग गुट के तौर पर नहीं, तो ये रास्ता है। तो इसलिए एक नाम निकल के आ रहा है राज ठाकरे का, राज ठाकरे इस पर इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे ये गेम खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी जो भी मेहनत की है इतने लोगों को साथ लाने के लिए, उसमें उनको मेहनत लगी होगी, सारी कवायद करके वो राज ठाकरे को अपना नेता मान। पर एक चीज ये भी है ना, देखिए सर, जो नंबर अभी है, जितना बोल रहे हैं शिंदे कि उनके पास 40 के आसपास नंबर है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कानूनी तौर पर, वो चाहे तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी ले सकते हैं, वो चाहे तो शिवसेना का नाम भी ऑफिशियल तरीके से अब खुद से जोड़ सकते हैं, तो मनसे के साथ जाना नहीं, ये सब शिंदे के चाहने से नहीं होगा जी, है ना, ये इन सब की अपनी एक प्रक्रिया प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस उसे उन्हें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यस। अब देखिए, सबसे पहला जो शिंदे को काम करना था कि विधानसभा में एक रिबेलियट गुट क्रिएट करना था और उसकी मान्यता के लिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर नहीं है विधानसभा में, तो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा है, डिप्टी स्पीकर में उस पत्र पर अभी कोई विचार नहीं किया, बल्कि वो मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के तरफ से आए हुए पत्र के कि ये विधायक हमारे विधायक दल की मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए, ये 17 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। एक और चीज मैं यहाँ देख कहना चाहूंगा कि देखिए, चूंकि अभी विधानसभा फंक्शन में नहीं है, काम नहीं कर रही है, स्थगित है, तो जो विधायक दल की मीटिंग हो रही है उस पर विधानसभा के चीफ व्हिप का उतना असर माना जाएगा कि नहीं, ये कानूनी दांवपेच का मसला है। चूंकि विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है शिवसेना की तरफ से, लेकिन अभी विधानसभा फंक्शन में नहीं, तो जो वो उसमें विधायक अनुपस्थित रहे हैं उसमें से 17 विधायकों के या 16 विधायकों के अयोग्यता के लिए जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र पर भी अभी विवेचना होगा कोर्ट में, उस पर डिप्टी स्पीकर चाहे जो निर्णय दें, उस निर्णय के बाद कोर्ट अपने काम शुरू करेगी। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद कोर्ट ने सिर्फ एक बार 2020 में
राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो मसला था उसने निर्णय के पूर्व ही इंटरवीन कर लिया था। आज तक इसके सिवा और कोई नहीं है विधानसभा में, चाहे विधान वो स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, जो भी पद पर है वो जो काम निर्णय ले लेते हैं उसके बाद कोर्ट अपना काम शुरू करता है कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय कानून सम्मत है, अधिकार क्षेत्र में है या अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो अभी इस पर भी अब ये जो 14 दिन का वक्त मिला है तब इससे दांव पेच आएगा। और अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब राजभवन का इसमें अपना भूमिका प्रमुख हो रही है, राजभवन में चीजें हो सकता है राज्यपाल को ये गुट ये कहे कि हम समर्थन वापस लेने का पत्र और इस तरह की बातें करें, तो उस पर आगे राज्यपाल क्या एक्शन लेते हैं अब इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी आज की महाराष्ट्र सरकार के और डिप्टी स्पीकर के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये बात उठाई कि कहीं कुछ 14-11 जुलाई के पहले ही कुछ राज्यपाल या तरह की चीजें ना हो या इधर की तरफ से आई कि डिप्टी स्पीकर कोई निर्णय ना ले लें एक तरफा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं बैठे हैं, किसी को भी अगर कोई निर्णय किसी के खिलाफ गलत लगता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले। तो अब ये चीजें चलेंगी, 11 जुलाई तक का समय है, राजभवन देखते हैं आगे क्या उसमें शुरुआत करता है। सनवारिया जी, अभी क्या 14 दिनों तक सरकार इसी तरीके से अधर में लटकी रहेगी महाराष्ट्र में? नहीं, मैं अपोजिशन, हमें बड़ा दुख लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आने वाले समय में हमने बड़ी क्लोज वॉच इसके ऊपर रखे हुए हैं। और अभी भरत सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता गारंटी से कह रहे थे कि जो अभी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, गारंटी कह रहे हैं कि इतने लोग जो है शिंदे जी के साथ नहीं रहेंगे। तो भरत सिंह जी, आप सिर्फ आज चैनल पे सारे महाराष्ट्र निवासियों को ये गारंटी दे दें कि आपके मुख्यमंत्री 2 दिन में फ्लोर टेस्ट के लिए असेंबली बुला लेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं ना, वो तो बाकी तो फ्लोर टेस्ट पे होगा। और जब एक बार असेंबली बुलाए, देखिए राजभवन से जो एक्टिविटीज है वो सिर्फ राजभवन परे, देखिए अभी जो भी बहुमत साबित होता है वो परेड से नहीं होता है, ये क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट है कि जो भी कुछ होगा, सरकार गिरती है बचती है वो फ्लोर टेस्ट में। वरना आप अपने मुख्यमंत्री को कहिए ना कि मेरे पास विश्वास मत मेरे पास है उसके लिए, किसी तरह से एक बार आप असेंबली बुला लीजिए, वो प्रोरोगेटिव आपका है, अपोजिशन वाले नहीं बुला सकते। आप गारंटी दीजिए हमें आज कि आप इस हफ्ते में 2-3 दिन में महाराष्ट्र पे थोड़ा तरस खाइए। मैं मानता हूं कि आप महाराष्ट्र को जिस तरह से आपने 200-310 ऑर्डर पास किए और हजारों करोड़ के ऑर्डर आप लोगों ने दे दिए, वो अब समय जनता देख रही है। आप कृपया अपने मुख्यमंत्री जी को कहिए कि वो फड़क से करके सदन का अपना एक मंगवा लें, सेशन मंगवा लें और वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम एक सशस्त्र विपक्ष की तरह से आपकी मुखालफत करते रहेंगे, आपकी नीतियों की मुखालफत करते रहेंगे। ये जो गड़बड़ी हुई है ये सब आपके कर्मों का फल है, आपके मींस आप और सारे मागाड़ी के, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। भरत सिंह जी, आपको वाकई में अभी भी लगता है कि गेंद आपके पाले में है? फिर कह रहा हूँ पल्लवी जी, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब तक विधायक फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होंगे तब तक हमारी सरकार निश्चिंत है और सुचारू रूप से चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि डर इनको है कि मुझे है, हम तो डर ही नहीं, हम तो कह रहे हैं बार बार ये कह रहे हैं कि आप तो आओ तो सही, फ्लोर टेस्ट तो करवाओ तो सही। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, आप लोग आप जो इस्तीफा दे दीजिए, क्यों इस्तीफा दे दे भाई, किसी मंत्री ने पहले सुन लीजिए ना, एक मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है क्या? वो नाराज हैं, वो शिवसेना से नाराज हैं, घर में नाराजगी है, नाराज होके लड़का जो है चला गया है घूमने, अब घूम घूम के पर्यटन करके सारा जो है दिन सुनियरी देख के फिर रिजल्ट जब आएगा, आने के बाद में पिताजी के पैरों पे गिर जाएगा कि भाई हमसे गलती हो गई, हम तो चले गए थे घूमने, आपको लगा कि हम जो है वापस नहीं आएंगे, देखिए हम वापस आ गए हैं, अब जो है फिर से हम साथ में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, घर में रहेंगे। तो थोड़ा सा आनंद जो है पल्लवी जी लेने दीजिए, विरोधियों का भी थोड़ा आनंद होना चाहिए ना, थोड़ा उनको भी मजा मिलना चाहिए, कम से कम
पुलाव ख्याली पुलाव तो पका के रखेंगे ना। अब मान लीजिए आने के बाद में सब लोग जो है उनको जी के पास चले गए, अब उसके बाद में ये भाजपा वाले तो मुंह देखते रह जाएंगे, हम हक्के पक्के हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तो फडणवीस जी का मजा है कि बेचारे सोचेंगे एक बार तो मैं सुबह सुबह तो बेवकूफ बन ही गया था और फिर ये शाम को भी बना दिए। तो ये बहुत कुछ पिक्चर साफ होगा और उसके बाद जब वो लोग आएंगे और पल्लवी जी देखेगा, मेरा अपना विश्वास है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से विधायक है कि जो सब की मर्जी अपनी नहीं है, कुछ जो है ईडी के डर से गए हुए हैं और कुछ जो है उनको लगता है कि नहीं मुझे जो है यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया है। मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी कहे जो विधायक जो वहां से रिटर्न आए हैं पल्लवी जी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्थिति क्या है, मैं कैसे कैसे भाग के आया। उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि मुझे जो है इंजेक्शन जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा था। तो अगर ये सब बातें हैं तो एक गंभीर मसला है और ये सभी सब क्लियर हो सकता है जब सारे विधायक मुंबई आके अपना जो है सदन में बहुमत परेड होगा, सदन में जब अपने वहाँ पे वोटिंग करेंगे तो ये पता चलेगा कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हम तो भाई देखिए जनता ने हमें क्या दिया था, मैंडेट ये दिया था कि हमें विपक्ष को बैठने का मैंडेट दिया था, लेकिन फिर भी अगर एक ऐसा समीकरण बना कि हम जो है सरकार साथ में मिलकर सरकार बनाए, अगर ऐसा लगता है कि मान लीजिए सरकार जाती है और जाती भी अगर सरकार है तो हम तो विपक्ष को बैठने के लिए तैयार है। हमको जो है विपक्ष ने हमको मैंडेट वही दिया था ना आनंद त्रिपाठी जी, हमें 44 सीटें मिला था, तो हमें मैंडेट जो मिला था वो विपक्ष में बैठ के इनके पोल खोल करने का काम मिला था, वो हम जनता के सामने हमेशा करेंगे चाहे वो देश में हो चाहे वो महाराष्ट्र में। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, आपको वाकई में ऐसा लगता है सर, क्योंकि वैसे मैं सवाल आपसे पूछ चुकी हूँ कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि बार बार जो कॉन्फिडेंस इस समय भरत सिंह जी दिखा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ और भी तो खेल नहीं चल रहा है। और उसके अलावा ये मानते हैं राजनीतिक पंडित कि अगर सरकार किसी और पार्टी के साथ यानी बीजेपी के साथ बन रही है तो कई और विधायकों का भी मन बदल सकता है, फिर वो यही सोचेंगे कि अब हम विपक्ष में रह के क्या करें, सत्ता पक्ष के साथ ही हो लेते हैं। नहीं देखिए राजनीति ऐसी है कि जहाँ संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन आज की जो स्थिति महाराष्ट्र की है, देखिए बहुत सारी स्थितियां ऐसी है, आज फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है कि हम चाहते हैं सरकार की तरफ से या सरकार में शामिल नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट से नहीं घबराते, हम तो फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। राजस्थान में महीनों संकट चला था, फ्लोर टेस्ट की डिमांड वहां नहीं की गई थी, ठीक है, महीनों संकट चला था तो वहां फ्लोर टेस्ट की डिमांड, यहाँ क्या है, यहाँ कांग्रेस के पास खोने को कुछ है नहीं, ठीक है, सरकार में शामिल होने के बावजूद भी कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर एनसीपी है, बचा कुछ शिवसेना है, नहीं ले रही थी सरकार के फायदे, कांग्रेस को कुछ खास हासिल नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसी वजह से नाना पटोले जैसे लोगों को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिला करके सक्रिय राजनीति में ले आया गया कि वो कुछ कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोगों में दम भर सके, ठीक है, और उन्होंने किया भी, अच्छे नेता है वो, लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि ये जो उद्धव आज अकेले हैं, ना कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, अंदर की बात यही है, और ना एनसीपी उनके साथ खड़ी है, और उद्धव के लोग भी उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं। अब उद्धव का एकमात्र सहारा ये है कि जो शिव सैनिक है, जो उनके जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जो कारपोरेटर्स हैं अलग अलग जिलों में, जो ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता है, संघ उनके जो उनके संघ चलते हैं उसके लोग हैं, वो क्या उद्धव के साथ हैं या उनमें भी बंटवारा हो रहा है। उद्धव की सारी उम्मीद आज जो है इस बात पर टिकी हुई है कि शिवसेना उनके पास रहेगी तभी जब ये ग्रास रूट कार्यकर्ता शिव सैनिक जिसे कोर शिव सैनिक कहा जाता है वो उद्धव के साथ बने रहे। संभावना ये है कि वो उद्धव के साथ बने रहेंगे क्योंकि देखिए शिवसेना में बाल ठाकरे के रहते रहते 3 बार रिवेल्यूशन हुआ था इस तरह की। सबसे पहले बाल ठाकरे के रहते छगन भुजबल गए थे 1991 में, छगन भुजबल एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के गए थे, याद नहीं होगा छगन भुजबल के नाम से, जब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को स्टैब्लिश किया था उसका बाल ठाकरे ने विरोध किया था, छगन भुजबल चूंकि ओबीसी नेता थे तो उन्होंने उसके
उस वक्त तो कुछ दिन चुप रहे लेकिन बाद में इसी मुद्दे को उठा करके वो बाहर गए थे। फिर दो और हुए शिवसेना में, लेकिन ये जो संकट आया शिवसेना के पास ये बहुत बड़ा संकट है। संकट को निपटाने वाले बाल ठाकरे जैसा व्यक्तित्व भी आज शिवसेना के पास नहीं है, उद्धव के पास वो क्षमताएं नहीं है जो बाल ठाकरे के पास क्षमताएं होती थी। और अब अगले जो एक दो दिन है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। सर समय की कमी है, माफी चाहूंगी आनंद त्रिपाठी जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। भरत जी आपसे भी माफी चाहूंगी, मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अगले एक से दो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर प्रोटेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि महाविकास आघाड़ी अल्पमत में आ जाएगी और इसी के साथ नई सरकार बनने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रोटेस्ट होता है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।